तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है ध्रुव कुमार वेग, आप देख रहे हैं कुमार टेक्नोलॉजी। हम सबको पता है कि अगर हम अपने ही कंट्री का कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसका पैसा हमारी कंट्री में रहता है, हमारे किसी डेवलपर के पास जाता है। तो उसी तरह हमारे साथ सेम एप्लीकेशन में भी होता है। अगर आप अपने ही कंट्री कोई बनी हुई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसका पैसा हमारे किसी डेवलपर के पास रहता है। तो इसीलिए मैंने हर एक कैटेगरी में से यहाँ पे ऐप्स उठाई हैं और उसकी रेटिंग में मैं आपको कुछ कुछ की बता दूंगा। काफ़ी यूज़फुल ऐप्स हैं। हम सब सोचते हैं कि काश कोई ऐप हो हमारी इंडिया की भी, तो मैंने आज यहाँ पे एक नहीं दो दो तीन तीन ऐप्स आपको बताई हैं हर कैटेगरी से रिलेटेड। सो ये थोड़ी वीडियो इंटरेस्टिंग भी होने वाली है क्योंकि आप कुछ नई चीज़ों के बारे में भी जानने वाले हैं और यूज़फुल भी होने वाली आपके लिए भी और आपकी कंट्री के लिए भी, क्योंकि ये जिस ऐप का इन ऐप्स का जो पैसा है वो हमारी कंट्री के पास रहने वाला है। सो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। आपको काफ़ी सारी नई ऐप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है और जिन्हें मैं भी पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सभी अपने अपने दोस्तों से कहते हैं कि कितना अच्छा होता है कि अब हमें अपने प्ले स्टोर पे हर एक एप्लीकेशन मिलाती है हर एक टॉपिक से रिलेटेड, हर एक कैटेगरी से रिलेटेड, चाहे वो कुछ खाना मंगाना हो घर पे, फूड ऑर्डर हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो, हर चीज़ के लिए ऐप होती है। बट कितना अच्छा हो कि अगर हम वो ऐप यूज़ भी कर रहे हो हमारा फ़ायदा भी हो रहा है, प्लस हम अपने देश के लिए भी कुछ कर रहे हैं, हम अपना पैसा बाहर नहीं भेज रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। और उसी के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे काफ़ी सारी ऐप्स उठाई हुई हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने सीधा वीडियो पे चल। यूपीआई पेमेंट करनी है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोनपे, पेटीएम या भीम ऐप। इन तीनों जो ऐप्स हैं इनकी रेटिंग है 4.4, बहुत बढ़िया 4.4 स्टार्स मिले हुए हैं। अगर आपको ब्राउजिंग करनी है तो आप जियो ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं से नमस्ते, मिलन सेतु, ये बहुत बढ़िया बढ़िया ऐप्स हैं और ये इंडिया की हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हमें ऑनलाइन गाने सुनने तो हम यूज़ कर सकते हैं, गाना ऐप यूज़ कर सकते हैं, सावन यूज़ कर सकते हैं, हंगामा यूज़ कर सकते हैं, हमारी इंडिया की ऐप्स हैं। और अगर हमें वीडियो प्ले करनी है कोई तो हम MX प्लेयर का यूज़ कर सकते हैं। ऐप वगैरह बुक करानी है तो ओला हमारे लिए ऑप्शन है, एक बहुत बढ़िया ओला हमारे लिए ऑप्शन है। और दूसरी बात रेड बस हमारे लिए ऑप्शन है अगर आपको बस चाहिए तो। ये बहुत ही बढ़िया ऐप्स हैं और मुझे पर्सनली मुझे ये ओला बहुत बढ़िया लगती है बाकी ऐप से जिनमें आप टैक्सी या कुछ भी कैब बुक करा सकते हैं। अगर आपको चैट वगैरह करनी है तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं जियो चैट यूज़ कर सकते हैं, हाइक यूज़ कर सकते हैं। हाइक तो पहले बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया ऐप रहा था एक टाइम पर, मुझे अभी भी याद है, अभी भी बहुत बढ़िया ऐप है। मुझे मालूम है हम व्हाट्सअप छोड़ नहीं सकते आज के टाइम पे, ना व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं ना बाकी ऐप्स छोड़ सकते हैं, बट जितना हो सकता है हम इस ऐप को भी यूज़ करें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा, हमारे देश के लिए फ़ायदा होगा। प्लस ये ऐप्स बहुत बढ़िया भी है, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बहुत बढ़िया ऐप्स हैं। तो मैसेजिंग के लिए मैंने आपको बता दी जियो चैट आप यूज़ कर सकते हैं, हाइक आप यूज़ कर सकते हैं। ये लिस्ट मैंने बहुत ध्यान से बनाई है, हर हमारे लिए एक ऐप्स है जो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुकी है, उसके लिए मैंने उस कैटेगरी के लिए मैंने एक अलग से ऐप बताई है जो हमारे इंडिया में यूज़ होती है, जो हमारे इंडिया की है सॉरी। तो ये हो गया। अगर आपको कुछ सामान बेचना है या कुछ खरीदना है उसके लिए आप क्विकर का यूज़ कर सकते हैं। क्विकर एक बहुत बढ़िया ऐप है। अगर आपको ऑनलाइन फूड मंगाना है, ऑर्डर करना, तो आप जोमेटो या स्विगी का यूज़ करें, बहुत बढ़िया ऐप्स है, बहुत फास्ट डिलीवरी है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर हमें ऑनलाइन स्टडीज़ करनी है तो आप उसके लिए अनअकैडमी यूज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए बायजूस यूज़ कर सकते हैं। बायजूस बहुत बढ़िया ऐप है और अनअकैडमी का तो आपने बहुत ज़्यादा ऐड भी सुना होगा, इतनी ज़्यादा फेमस ऐप है अनअकैडमी, बायजूस भी बहुत फेमस है। तो आज के टाइम पे ज़माना है ऑनलाइन न्यूज़ का, ऑनलाइन न्यूज़ सब पढ़ना पसंद करते हैं, कहीं भी आपके हाथ में फ़ोन हो आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं न्यूज़ के लिए आपको इंडिया की कोई बढ़िया ऐप बताऊं तो वो होगी दैनिक भास्कर और डेली हंट, ये दोनों बहुत बढ़िया ऐप है। अगर मैं इसकी डेली हंट की रेटिंग की बात करूँ 4.2 रेटिंग है उसकी, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर हम शॉर्ट वीडियो की बात करें, शॉर्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो उसके लिए हमारे इंडिया में भी ऐप है, बोलो इंडिया करके ऐप है, इंजॉय करके ऐप है। और अगर मैं आपको इसकी रेटिंग बताऊं आप हैरान हो जाओगे, बोलो इंडिया ऐप की रेटिंग है 4.6, आप सोच सकते हैं। और इसके सिर्फ डाउनलोड है 100K है, मतलब डाउनलोड्स कम है पर ये इतनी बढ़िया ऐप है, 4.6 रेटिंग है इसकी, कमाल की चीज़ है। इंजॉय की अगर मैं आपको रेटिंग बताऊँ तो 4.5 स्टार, 5 मिलियन के प्लस इसके डाउनलोड हो चुके हैं। तो ये तो बात ही शॉर्ट वीडियो की, कितने मतलब आप ये सोच सकते हैं कितनी बढ़िया हाई रेटिंग वाली हमारे पास ऐप्स हैं और हम कहाँ कहाँ जाते हैं पता नहीं। अगर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करानी है तो उसके लिए हमारे पास है बुक माई शो और मेक माई ट्रिप, ओयो रूम्स हैं, तो ये सारी यही इंडिया की ऐप्स हैं। और अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो उसके लिए आजियो है। अगर आपको फाइल ट्रांसफ़र के लिए एक ऐप चाहिए तो आप जियो स्विच का यूज़ कर सकते हैं, इसकी 4.5 रेटिंग है प्ले स्टोर पे। बहुत सारी ऐप्स हैं और इनकी अगर रेटिंग इसकी इतनी बढ़िया बढ़िया, इतनी बढ़िया बढ़िया ऐप्स हैं, हम कहाँ जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये बहुत बढ़िया मैंने आपको ऐप्स बता दी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ऐप्स भी हैं, आप इन्हें यूज़ करिए। मैं इनमें से 15 के 15 तो नहीं पर काफ़ी सारी ऐप्स इनमें से मैं यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया मुझे लगा है। अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मैं उसका रिव्यू भी फिर दे सकता हूँ, आप नीचे कमेंट कर दीजिए।
तो ये कुछ मैंने आपको ऐप्स बताई हैं जो बहुत बढ़िया हैं, इंडिया की ऐप्स हैं। इंडिया का पैसा इंडिया में रहने दीजिए, बाहर मत भेजिए, अपनी कंट्री की मदद होगी थोड़ी सी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त है जो बाहर की ऐप्स में ज़्यादा बिलीव करता है, उनको उसको ज़रा ये वीडियो भेज दीजिए और उसे बताइए कि कितनी बढ़िया ऐप्स हैं हमारे देश के पास। सो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको और क्या क्या वीडियोस चाहिए आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके रिलेटेड आपको एक वीडियो बना दूंगा, चाहे वो किसी ऐप से रिलेटेड हो, किसी वेबसाइट से रिलेटेड हो, किसी फ़ोन से रिलेटेड हो। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। इन ऐप्स को आप यूज़ करके देखेंगे ज़रूर। बाय।